आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा कलीम गांव में बने गन्ना सेंटर से बीती रात एक किसान की गन्ना लदी ट्राली चोरी हो गई। वहीं पीड़ित अभिमन्यु यादव ने बताया कि सेंटर पर गन्ना तुलवाने गए थे, लेकिन तौल ना होने पर गन्ना लदी ट्राली वहीं खड़ी करके चले गए। सुबह जब सेंटर पर पहुंचे तो ट्राली गायब थी। अभिमन्यु ने महाराजगंज थाने में ट्राली चोरी होने की तहरीर दी। आरोपी की तहरीर के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर क्रय केंद्र पर नारेबाजी की। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है कि क्रय केंद्र के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि हमारी चोरी हुई ट्राली जल्द से जल्द बरामद नहीं हुई तो हम पूरे गाँव वाले रास्ता जाम कर धरने पर बैठ जाएंगे। क्या नाम है आपका? ट्राली क्या कैसे घटना हो गई? ट्राली चोरी हुई है? ट्राली सर लदी लदाए जो घर से लाए हैं 5 बजे परसों यहाँ पर लाकर फील्ड में खड़ी की है और सुबह तौल कराने के लिए आए तो फील्ड में ट्राली नहीं थी। थाने पर गए थे? थाने पर गए थे। क्या कह रहे थाने वाले? तो क्या नाम कोतवाल साहब से बात किए तो कहे कि चलिए हम अभी मौके पर आ रहे हैं और कल भी इंतजार किए आज भी गए थे मौके पर। उन्हें कहा चलिए कि हम आ रहे हैं आज भी नहीं आए। ट्राली कब चोरी हुई है? परसों रात में 7:00। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण यादव। क्या घटना हुई है आपके क्षेत्र में? इस सेंटर द्वारा कदीम से ट्राली चोरी हुई है। FIR के लिए दरख्वास्त दी गई। कोतवाल महोदय का कहना है कि चौकीदार पर FIR करेंगे। चौकीदार का नाम मैं गवाह हूँ, मेरे सड़क ताली खड़ी थी, इसकी गवाही मैं दे रहा हूँ। GM से बात हुई फ़ोन पर कल शाम को यानी 8/2/19 को। GM का कहना चौकीदार ताली रखवाली करेगा, उसका काम है कांटा रखाएगा, बट्टा रखाएगा, कुर्सी में रखाएगा, ताली खुद रखाएगा। आज सुबह लमसम 12-1 बजे आसपास उनको अप्लीकेशन दिया गया। GM महोदय को अप्लीकेशन उठा फेंक दिया। GM का क्या नाम है? GM का नाम तो नहीं पता। CCO का नाम कोई पासवान करके हैं। अगर समस्या का निदान नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? धरने बैठ जाएंगे। यहाँ थाना कितना दूर है? थाना यहाँ से लमसम 3 नहीं है 2.5 किलोमीटर से कम होगा, 2-2.5 किलोमीटर। कोतवाल महोदय ने कहा था कल दरखास्त लेने के बाद कि जांच करूंगा, लेकिन अब तक कोतवाल महोदय जांच करने नहीं आए। आप लोग इंतजार कर रहे हैं उनका? इंतजार कर रहे हैं। यदि आज शाम तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग कल धरने पर बैठ जाएंगे, कांटा जाम कर देंगे। मैं ग्राम प्रधान चंद्रवान यादव, ग्राम नवरार दीवारा जदीद किताब हस्त और ये शहादतगंज जो है दीवारा कदीम एक कांटा यहाँ लगा है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ से टालियाँ चोरी हो जा रही हैं। पुलिस को जो है सूचना देने पर, पुलिस को तहरीर देने पर पुलिस यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चोरों को जो है फ्री छूट दे दिया है और कहीं ना कहीं जो है उनके लिप्त में हैं और उनको जो है कहीं खोजने का काम नहीं कर रहे हैं थानेदार। कितना दिन चोरी हुआ? कल रात की घटना है। कल रात में जो है लदी लदाई गन्ना जो है यहाँ से चोरों ने अपना जो है ट्रैक्टर में वो करके उसको ताली बांध कर लेकर चले गए। करीब कितने बजे घटना होगी प्रधान जी? ये अब ये घटना रात की है। थाने पर क्या कहा जा रहा है? थाने पर तो कह रहे हैं कि ठीक है पता लगाएंगे, लेकिन आज तक जो है न कोई पुलिस आया न सिपाही आया। क्या ये पहली घटना है कि इसके पूर्व भी ऐसी घटनाएं हुई? नहीं, ये तो पहली घटना है। आप क्या मांग करते हैं? हम तो मांग करते हैं कि चोरों को गिरफ्तार किया जाए और ताली बरामद किया जाए। क्या यहाँ चौकीदार नहीं नियुक्त है? क्या नहीं, चौकीदार तो नियुक्त है। तो चौकीदार का क्या कहना? चौकीदार का कहना है कि हम पता लगा रहे हैं, एक दिन दो दिन में पता लगा देंगे। तो चौकीदार रात को रहता नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं, अब चौकीदार जाना कि हम मतलब रात में रहते हैं, ड्यूटी उनकी है, हमारी तो ड्यूटी है नहीं। क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह यादव। आप यहाँ चौकीदार हैं? क्या घटना हुई, कैसे हो गई? सर ताली आई थी 5 बजे के लमसम में, उसका एंट्री किया गया यहाँ और साढ़े 9 बजे में खाना खाने गया घर। सुबह आए हम लोग तो यहाँ देखे तो जो ताली मालिक थे वो बताए हमारी ताली नहीं।
और हम लोग छानबीन किए, अगल बगल टाली फील्ड में नहीं थी, हम लोग पहुँचे थाने, हम लोग तहरीर दिए और मेरे पास जो एंट्री कॉपी थी उसकी फ़ोटो कॉपी मैं करवा करके उसमें एंट्री किया और एप्लीकेशन में हमने कहा कि ठीक है सर, हमने एंट्री किया है, टाली आई है और टाली हमारे सेंटर से गायब हुई। क्या रात में आप रहते नहीं क्या? सर रहते हैं, खाना वाना खाने चले भी जाते हैं, आना जाना, जैसे हमारा स्कूल है बगल में सर, तो बाट बट्टा जो भी है हम स्कूल में सारी सामान कांटे का रख करके और इस कुर्सी मेज अपना साइड में हमारा कैंप है वहाँ रख करके हम लोग खाना पीना अपना खाने जाते हैं। हमारे आदमी यहाँ रहते हैं साहब जो लेबर उबर यहाँ है, तो हम लोग सुबह आते हैं, कभी कभी रह भी जाते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं, तो अपना सुबह आप मतलब ये लोग आए बताए। जिम्मेदारी तो आपकी है, आप चौकीदार यहाँ के हैं, रखवाली सर, हाँ रखवाली है सर, लेकिन जिम्मेदारी तो सब है, लेकिन आप पूरा दिन में रहेंगे और रात को चले जाएंगे तो आखिर कौन इसको संभालेगा? सर हम अपना सामान बंद करके ताला बंद करके चले जाते हैं, जो सामान पुलिस ग्रस्त करती है कभी यहाँ से निकलती, पुलिस ग्रस्त 100 नंबर साहब आती जाती है कभी कभार, यहाँ से उधर से भी जाती है, रास्ता कई है। और सर जितना हमको मिली है मिल से सामान, हमको निर्देशित किया गया, सारी सामान हम अपना वहाँ स्कूल में बंद करते हैं, लॉक करते हैं और समय देख करके रहते भी हैं, जरूरत पड़ने पे हम चले भी जाते हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।